अभिनंदन है जी सभी का कृषि अवार्ड चैनल पर। आज हम आपको पिंक कलर के प्यूमा सिल्क सूट पर, जो इसका फैब्रिक है वो प्यूमा सिल्क का है, उस पर आपको मजेंटा कलर के डार्क मजेंटा कलर के फ्लावर बनाना बताएंगे। और शेड के साथ बताएंगे कि कैसे हमने पहले मजेंटा कलर फिल कर लेना है पत्ती में, जो फूल की पत्ती है, और उसके बाद उसमें अच्छी तरह से फिल करके उसके बीच में जो अंदर वाला भाग है उसमें हमने वाइट कलर का टच देके बाहर वाली साइड को उसमें हमने शेडिंग करनी है। और इसी तरह से सारी पत्तियों की शेडिंग हमने वाइट कलर से ही करनी है। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जो वाइट कलर है वो ज़्यादा नहीं लेना है आपने। अगर आप ज़्यादा कलर लेंगे तो वो ज़्यादा वाइट दिखाई देगा और नेचुरल फूल जैसे होता है वैसे नहीं दिखाई देगा। और इसी बात का ख्याल रखते हुए आपने हल्का सा वाइट कलर लेके उसकी शेडिंग कर देनी है फूल की, और जो बीच वाला पार्ट होता है फूल का उसमें हमने भूर भर देना है। और इसी तरह से आप जो फूल की बाहर वाली साइड है उसमें आप 3D से आउटलाइन कर सकते हैं, वो चाहे आप गोल्डन कलर की 3D ले लें या फिर आप जैसा हमने फूल बनाया है उस कलर की भी 3D ले सकते हैं आप। ये सभी कलरों में आती हैं। और बीच में से हमने जो भूर का भरा है उसमें से हम थोड़ा सा भूर बाहर की तरफ निकालेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने उसमें छोटी छोटी डंडियां हैं जो भूर की वो बाहर की तरफ गोल्डन कलर की निकाली हैं। और इसी तरह से हमने सैप ग्रीन और लेमन येलो कलर लेके पत्तियां बनाई हैं। और ये पत्तियां जो है वो जैसे कट वर्क होता है उस तरह से बनाई हैं हमने, जैसे नीम की पत्तियां होती हैं उस तरह से। और बाहर वाली साइड है जो पत्ती की वो हमने डार्क कलर की रखनी है, और जो बीच वाला पार्ट है पत्ती का वो उसमें हमने लेमन कलर लगाना है और उसकी अच्छी तरह से शेडिंग कर देनी है ताकि जो सैप ग्रीन कलर है और लेमन कलर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और इसी तरह से हमने रेशे बना देने हैं सभी पत्तियों में डार्क सैप ग्रीन कलर से। और जो हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि हम उसकी जो फूल के इर्द गिर्द को जो पतली सी एक टहनी नुमा जो होती है टहनियाँ वो निकाल देंगे जो मुड़ी हुई होती हैं। और इसी तरह से हमने जो है डंडियाँ फूल की बनानी है, वो भी हम सैप ग्रीन और बीच में से थोड़ा सा लेमन कलर मिक्स करके बनाएंगे। और ये डंडियाँ आप चाहें तो आप ब्राउन कलर से भी बना सकते हैं, पर इन फूलों में जो है ये पतले फूल होते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।